टाइप इज जीरो और नल वेक्टर। देखिए नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जीरो और नल वेक्टर, तो जीरो और नल वेक्टर मींस अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड और अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है? जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, मतलब कोइंसिडेंट हो। तो हम लिख सकते हैं इसमें इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। जैसा मैंने अभी कहा था कि जीरो तभी हो सकता है जब किसी भी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसिडेंट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जीरो जीरो के ऊपर ए, ए के ऊपर वेक्टर का साइन, जीरो वेक्टर और जीरो के ऊपर, ये सारे सेम है। बात समझ में आ रही है, इन सभी का मीनिंग वही है, जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर लाइन, जीरो वेक्टर, एरो का साइन, जीरो वेक्टर, ए और ए। ए और ए का मीनिंग क्या होता है कि जो वेक्टर हमारे पास है उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और टर्मिनल पॉइंट भी क्या है ए। जब दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो फिर तो उसका लेंथ कुछ होगी नहीं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। तो अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो और नल वेक्टर। इसी का एक और टाइप क्या बन जाएगा, नॉन जीरो वेक्टर। सिंपल सी बात है, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर, ये ऐसी को हम कई बार बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी आए, वन टू थ्री कुछ भी आए, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अगर जीरो है तो इट इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, लेकिन जीरो नहीं आ रहा, कुछ भी क्वांटिटी आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो वेक्टर। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, इट मींस कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोइंसाइड करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन इनिशियल और टर्मिनल बोथ पॉइंट्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड नॉन जीरो वेक्टर। सो इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस, या इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, इसको कह सकते हैं और मॉडुलस। तो अगर किसी, देखिए जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो मॉड वैसे जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है तो उसका मॉडुलस भी जीरो नहीं हो सकता। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। देखिए मॉडुलस को हम एक और नाम से इंडिकेट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, आपने सुना होगा, कन्ना सुना हो। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर है, क्या होता है मॉडुलस, जैसा भी हमने डिस्कस किया, इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो चाहे आप मॉडुलस बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों का मीनिंग सेम है। तो नॉन जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मॉडुलस मैग्नीट्यूड, और मॉडुलस कह सकते हैं मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉडुलस आर नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें मॉड क्या होगा, जीरो, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या आ रहे हैं इसमें, सेम। बट इसमें क्या आ रहा है कि इट इज अ वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड और मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलेंगे नॉन जीरो वेक्टर। अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, इक्वल वेक्टर्स। देखिए जैसा अपने को नाम से ही समझ में आ रहा है, मान लीजिए एक वेक्टर लिया हमने ए बी और एक वेक्टर हमने लिया सी डी। आपको दिख रहा होगा कि जो वेक्टर मैंने लिए हैं ए बी और सी डी, उन दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन दोनों की जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है वो डिफरेंट है। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। तो टू वेक्टर्स, आप समझिएगा, जैसे मान लो मैंने ए बी को ए वेक्टर से इंडिकेट किया और इसको बी वेक्टर से डिनोट किया, तो आप लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी
इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या रहे? मॉड ऑफ सी डी, और इसको आप कह सकते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहे? मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का मीनिंग क्या हुआ? देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल। ऐसा नहीं कि लेंथ तो सेम है बट वेक्टर पैरेलल नहीं है, वेक्टर भी क्या होना चाहिए? पैरेलल। एंड थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी सेम। देखिए, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दे आर पैरेलल और दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सेकेंड वो पैरेलल होना चाहिए, थर्ड दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो कहां होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। देखिए, दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कैन बी डिफरेंट। मैंने यहां पे जो फर्स्ट वेक्टर लिया है वो लिया मैंने ए बी, सेकेंड जो मैंने लिया है वो लिया है सी डी। तो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मैंने क्या लिया? ए और टर्मिनल बी लिया, जबकि सेकेंड का इनिशियल मैंने सी लिया और टर्मिनल डी लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जब भी ये चेक करना होता है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल और नॉट, आप उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आप उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, उनका मॉडुलस निकाल लो, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर पैरेलल होना चाहिए और वो कहां एक्ट होना चाहिए? इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, वेक्टर पैरेलल होते हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो तो भी इक्वल नहीं कहेंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो क्या चेक करना है हमें? कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पैरेलल तो है ही वो, और सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। इनमें से अगर एक भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दे आर नॉट इक्वल। बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करें।